मसल क्रैम्प यानी पैरों में ऐठन। मसल क्रैम्प यानी पैरों में ऐठन वह स्थिति है या कहीं भी शरीर में ऐठन वह स्थिति है जो आपको रात में सोने नहीं देती, आप में एक डर बना रहता है। एक अचानक सा रात में जब आप लेटते हैं तो खास तौर से जब आप लेटते हैं तो पैरों में खिंचाव महसूस होता है और गुच्छा तक पैरों में बन जाता है या हाथों में बन जाता है, कोई व्यक्ति लिख नहीं पाता है, इस तरह की स्थितियाँ होती हैं। होम्योपैथी में योगदान है इस मसल क्रैम्प को ठीक करने का, लेकिन मैं आपको इस वीडियो के शुरू में ही बता दूं कि पानी पीने से हम लोग देखते हैं कि 99% मरीज हम लोग के क्लिनिक पर ठीक हो जाते हैं। तो आप शरीर को डिहाइड्रेशन ना होने दें, आप पानी बहुत पिए। नमस्कार साथियों, डॉक्टर उमंग खन्ना होम्योपैथी क्लिनिक के इस प्रोग्राम में आपका स्वागत है। साथियों, आज हम बात करेंगे बहुत कॉमन विषय पैरों की ऐठन की, मसल क्रैम्प की। मसल क्रैम्प बेसिकली पैरों में सबसे ज़्यादा मरीज को होते हैं और वह परेशान रहता है। आज हम आपको बताएंगे कुछ कारगर दवाएं जो आपके मसल क्रैम्प, विशेषकर आपके जो पैर के मसल्स होते हैं, ऐठन होती, गुच्छा ऐसा बन जाता है पैर में, मसल्स का खिंचाव होके टाइट हो जाते हैं, काफ मसल्स आपकी जो पैर की पिंडलियां होती हैं, उसको ठीक करने के कुछ कारगर होम्योपैथिक दवाएं। सबसे पहले साथियों जान लेते हैं मसल क्रैम्प होता क्या है। मसल क्रैम्प साथियों आपकी मांसपेशियों में खिंचाव आ जाता है अचानक के तौर पे और आपको बहुत पेन होने लगता है वह जो, और कुछ देर के लिए आप चल नहीं पाते हैं, वह जो स्थिति होती है वही मसल क्रैम्प होती है। ये बॉडी में कहीं भी हो सकती, कोई भी मसल में आपके क्रैम्प आ सकता है, लेकिन विशेष तौर पे हमने देखा है कि पैरों की मसल्स में, पिंडलियों में व्यक्तियों की, हमारे साथियों की, हमारे मित्रों के क्रैम्प्स आता है। कारण की बात कर, सिम्टम्स की बात पहले कर लेते हैं साथियों। सिम्टम्स यही होते हैं कि आपके पैरों में खिंचाव आना, जगह जगह गुच्छा ऐसा बन जाना, पैर टाइट होना, मरीज का चल ना पाना कुछ देर तक, यही क्रैम्प्स की स्थिति होती है। रात में आप सो रहे हैं, आपको एकदम से पैर में मरोड़ होने लगी, सोते सोते आपकी नींद खुल गई। साथियों, मसल क्रैम्प्स के तमाम कारण होते हैं, जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट कारण होता है डिहाइड्रेशन। आपको डिहाइड्रेशन हो गया और मसल क्रैम्प होने लगे, शरीर में पानी की कमी हो गई। आप किसी भी डॉक्टर के पास जाओगे, सबसे पहले डॉक्टर यही बताएगा कि आपको पानी बहुत पीना है मसल को, क्रैम्प्स को ख़त्म करने के लिए। तो यहीं पर मैं आपकी शायद मसल क्रैम्प की समस्या का समाधान भी इसी बात में है। इसके अलावा साथियों, बहुत देर तक खड़े रहना, एक ही हिस्से में बार बार चोट लगना, इस तरह तमाम कारण होते हैं। शरीर में मिनरल्स की कमी हो जाना, तमाम कारण होते हैं साथियों क्रैम्प्स के। लेकिन समस्या है तो समाधान है साथियों, हम आपको बताएंगे कुछ कारगर होम्योपैथिक दवाएं जो आपके इन मसल्स क्रैम्प को सही कर सकें। दवाएं बताने से पहले साथियों आपसे निवेदन करना चाहेंगे कि कोई भी दवा हो, कोई भी चैनल पे आप देखें, कहीं पर भी जानकारी लें, लेकिन बिना कुशल चिकित्सक से प्रिस्क्राइब कराए आप उन दवाओं को मत लें। तो चलते हैं साथियों सफ़र पे, जिस पे आपको बताते हैं मसल क्रैम्प्स को ख़त्म करने की कुछ कारगर होम्योपैथिक दवाएं। नंबर एक दवा साथियों जो मसल क्रैम्प को ठीक करने की है और हम अपने क्लिनिक पे इसको 100% फायदे के रूप में इस्तेमाल करते हैं, वह है क्यूप्रम मिटैलिकम। अगर आपके पैर की पिंडलियों में ऐठन है, क्रैम्प्स आ रहे हैं, ऐठन हो रही, गुच्छा ऐसा पैर में बन रहा है, तो उस स्थिति को आप क्यूप्रम मेट 30 पावर में 2-2 बूंद दिन में 3 बार आप ले लें और साथ में आप पानी बहुत पिए। आप देखेंगे कि आपके पैरों की ऐठन ठीक हो गई, काफ मसल्स की ट्विचिंग खत्म हो गई और आप रात को चैन की, सुकून की नींद सो पाए। एक स्थिति साथियों आती है कि जो खिलाड़ी हैं उनके पैरों में बहुत क्रैम्प आने लगे। खिलाड़ी क्योंकि वो ओवर एग्जर्शन करते हैं मसल्स का, मेहनत करते हैं, प्रैक्टिस करते हैं, तो उनके क्रैम्प्स आने लगे। तो अगर खिलाड़ियों के क्रैम्प आने लगे, स्पोर्ट्समैन के आने लगे, तो उस स्थिति को ठीक करने की होम्योपैथी में बहुत कारगर दवा है मैकफॉक्स। आप मैकफॉक्स 6x पावर की 2-2 टैबलेट दिन में 4 बार ले सकते हैं अगर आपके क्रैम्प्स आ रहे हैं। यह दवा आपके लेने से आपके जो पैर में क्रैम्प्स आ रहे हैं वो ख़त्म हो जाएंगे। एक स्थिति आती है साथियों कि आपका शरीर बर्फ़ की तरह ठंडा हो गया और आप क्रैम्प्स आने लगे हो। तो अगर ऐसी स्थिति हो कि आपकी किसी पार्ट में बिल्कुल आइसी कोल्डनेस रहती हो, ठंडक रहती हो और आपके क्रैम्प्स आते हो, तो उस स्थिति को ठीक करने की होम्योपैथी में बहुत कारगर दवा है कैम्फर।
आप कैम्फर 30 पाव में दो दो बूंद दिन में तीन बार लेके इस इन क्रैम्प्स की स्थिति से स्वास्थ्य लाभ प्राप्त कर सकते हैं और अपने को स्वस्थ रख सकते हैं। एक स्थिति साथियों आती है कि मरीज को क्रैम्प्स आते हैं पैरों में और वह चलता है तो उसे आराम मिल जाता है। तो अगर चलने से आपको आराम मिल रहा हो मसल के क्रैम्प्स में ऐंठन में, तो उस स्थिति को ठीक करने की होम्योपैथी में बहुत कारगर दवा है रश टॉक्सिकोडेंड्रॉन। रश टॉक्स 1 mg पावर की दो दो बूंद दिन में तीन बार ले सकते हैं आप। अगर आपको चलने से आराम मिलता है अपने ऐंठन में, जो भी आपके शरीर में कहीं भी ऐंठन हो रही हो उसमें आराम मिलता है, तो रश टॉक्स आपकी ड्रग ऑफ द चॉइस हो सकती है। एक स्थिति साथियों आती है कि आपके हाथ के मसल्स में क्रैम्प आता है, आप लिख नहीं पाते। तो अगर यह स्थिति हो साथियों कि आपके हाथ की मसल्स में क्रैम्प आता हो और आप लिख ना पाते हो, खासतौर से राइटर्स क्रैम्प वाली स्थिति, तो उसको ठीक करने की नंबर एक दवा होम्योपैथी में है नेट्रम फॉस। आप नेट्रम फॉस 6x पावर में 4-4 गोली सुबह शाम आधे कप गुनगुने पानी के साथ ले सकते हैं। यह आपके मसल क्रैम्प्स में भी आराम देगी और आपको इसको आप 30 पोटेंसी में भी ले सकते हैं दो दो बूंद दिन में तीन बार, और आपके ये जो हाथ के क्रैम्प्स हैं इनको खत्म करेगी। एक स्थिति साथियों आती कि रात में आपको क्रैम्प्स आते हों। अगर आपको रात के वक्त क्रैम्प्स आ रहे हैं पैरों में, ऐठन हो रही है, खास तौर से हमारे परिवार समाज की महिलाओं को जो थोड़ी फेयर फैट एंड फ्लैबी हैं और जिनके सर से बहुत पसीना आता है और जिनको सर्दी बहुत ज़्यादा लगती है और मीठी चीज़ें खाना पसंद है, यह सिम्टम हो और पैर में रात में क्रैम्प्स आ रहे हों, तो उसको ठीक करने की होम्योपैथी में बहुत कारगर दवा है कैल्केरिया कार्ब। आप 30 पावर में दो दो बूंद दिन में तीन बार कैल्केरिया कार्ब दवा लेकर पैरों की ऐठन को ख़त्म कर सकते हैं। एक साथियों स्थिति आती है कि आपका बॉडी स्ट्रेच नहीं हो सकता, इनफ्लेक्सिबल हो गया है। तो अगर यह स्थिति हो कि आपका बॉडी इनफ्लेक्सिबल हो गया हो, जाम हो गया हो, तो उस स्थिति को ठीक करने की होम्योपैथी में बहुत कारगर दवा है पेट्रोलियम। पेट्रोलियम 1 mg की तीन खुराक 55 मिनट के फासले पर वीकली आप ले सकते हैं। इससे आपका शरीर जो इनफ्लेक्सिबल हो रहा है वह भी ख़त्म होगा और आपका मसल क्रैम्प भी ख़त्म होगा, ऐठन भी ख़त्म होगी शरीर की और आपको स्वास्थ्य लाभ मिलेगा। एक स्थिति आती है साथियों जिसमें मरीज को चलने से ऐठन होने लगती है पैरों में। तो अगर चलने से आपको पैरों में ऐठन हो रही है, तो इस स्थिति को ठीक करने की होम्योपैथी में बहुत कारगर दवा है एनाकार्डियम ओरिएंटेल। एनाकार्डियम ओरिएंटेल 30 पावर में दो दो बूंद दिन में तीन बार आप ले सकते हैं। अगर आपको चलने से पैरों में ऐठन पड़ती हो, उस स्थिति में एनाकार्डियम आपकी मदद करेगी और आपको स्वास्थ्य लाभ देगी। एक साथियों काफ मसल्स की जो आपके पैर की पिंडलियां होती हैं, पैर की मसल्स होती हैं, इसमें ऐठन रोकने की विशेष दवा होम्योपैथी में है क्यूप्रामेट के अलावा, और वहाँ है सिकेल कॉर्नेटम। सिकेल कॉर 30 पावर में दो दो बूंद दिन में तीन बार ले सकते हैं। यह आपके जो पैर की मांसपेशियां हैं उनकी ऐठन को ख़त्म करके आपको स्वास्थ्य लाभ देगी। एक स्थिति आती है साथियों कि आपको पैरों में सुबह सुबह ऐठन होने लगी हो, आप सुबह सो के उठते हैं और आपको पैर या शरीर में कहीं भी मांसपेशियों में ऐठन होने लगती हो, तो अगर यह स्थिति हो साथियों तो इस स्थिति को ठीक करने की होम्योपैथी में बहुत कारगर दवा है कॉस्टिकम हिनिमिनाइन। आप कॉस्टिकम 30 पावर में दो दो बूंद दिन में तीन बार ले सकते हैं। यह दवा आपके मसल के क्रैम्प्स को ख़त्म करेगी और आपको स्वास्थ्य लाभ देगी। एक स्थिति साथियों आती है कि आपके जोड़ों में अकड़न है और जब आप चलते हैं तो खटखट की आवाज़ आती है, क्रैकिंग ऑफ जॉइंट्स होता है। तो अगर यह स्थिति हो और आपकी मांसपेशियों में ऐठन हो, खासतौर से जो आपका घुटने होते हैं पैर के उसके ठीक पीछे यह ऐठन होती है, तो अगर यह स्थिति हो साथियों तो इस स्थिति को ठीक करने की बहुत कारगर दवा एसिड बेंजोइकम। आप एसिड बेंज 30 पावर में दो दो बूंद दिन में तीन बार ले सकते हैं। यह दवा आपको स्वास्थ्य लाभ देगी, आपको स्वस्थ रखेगी और आप बेहतर रहेंगे। एक स्थिति साथियों आ सकती किसी मरीज में कि जब आपने हाथ पैर स्ट्रेच करे, मतलब अंगड़ाई ली, थोड़ा सा उंगाई ली और उसके बाद जब स्ट्रेच करे, आपने बॉडी को थोड़ा सा मसल्स को आराम देने के लिए, आप उसको कुछ कहते होंगे हिंदी में, मैं शब्द एग्जैक्ट नहीं पता, वो जो आपने अपने शरीर की अकड़न को ख़त्म करने के लिए जो आपने स्ट्रेच करा बॉडी को, तो आपके क्रैम्प्स आने लगे, ऐठन आने लगी। तो अगर यह स्थिति हो साथी हो तो इस स्थिति को ठीक करने की होम्योपैथी में बहुत कारगर दवा है सल्फर। आप सल्फर 1 mg की तीन खुराक 5-5 मिनट के फासले पर वीकली ले सकते हैं। यह दवा आपकी इस समस्या को ख़त्म करेगी और आपको स्वास्थ्य लाभ देगी। ये साथियों को दवाएँ थी बहुत कॉमन क्रैम्प्स की।
सबसे बड़ा कारण क्रैम्प्स का डिहाइड्रेशन ही होता है मसल क्रैम्प्स का। तो अगर आपको क्रैम्प्स आ रहे हैं मसल्स में तो आप पानी ज़्यादा पीना शुरू करें, 99% स्थिति में वहीं पे आपकी समस्या का समाधान हो जाएगा। दवाएं साथियों कारगर थी, लेकिन निवेदन करेंगे कोई दवा कुशल चिकित्सक से प्रिस्क्राइब कराए बिना ना लीजिएगा। अगर आपके मन में कोई क्वेरी हो तो व्हाट्सएप करिएगा हमारे फ़ोन नंबर पर, प्रयास करेंगे आपकी बात का उचित जवाब दे सकें। निवेदन करेंगे साथियों, यदि वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, अपने चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और बेल आइकन क्लिक करके सबसे पहले सबसे नया वीडियो यूं ही प्राप्त करते रहिएगा। आपका साथियों इतनी देर हमारे साथ रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।